तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 25 पद संख्या 13 से 21 तक। राजा अग्रिप्पा और बेरनिस कैसरिया पहुँचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहाँ कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना। ये रोमियो की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझ पर अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है। किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। मैं ये वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में रहे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह समस्त विश्व का शासन करता है। प्रभु के शक्तिशाली स्वर्गदूत उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। वह सब के सब प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है।
जय घोष अलिलुया अनुवाक्य अलिलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। अनुवाक्य अलिलुया। पवित्र सुसमाचार संत योहन के अनुसार अध्याय 21 पद संख्या 15 से 19 तक। यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद उन्होंने सिमोन पेत्रुस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेत्रुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे ये पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेत्रुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेत्रुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त की जय।